गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रोफेसर पंकज सिंह राठौर फ्रॉम आईपीएस कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं बीसीए प्रोग्राम के बारे में। जो स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद में कहीं ना कहीं अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में देख रहे हैं या अपने आप को एज आईटी प्रोफेशनल देख रहे हैं, सो उनके लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, राइट? और इसके अंदर आपको नॉर्मली जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, वो सारी स्किल्स कैसे एक्वायर की जा सकती है, वो सारा का सारा करिकुलम आपको बीसीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। सो आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली बीसीए किस तरीके से आईटी प्रोफेशनल्स को रेडी करता है और बीसीए आपको आईपीएस कॉलेज से ही क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ बेसिक बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि जहाँ जिस भी कॉलेज से आप करने वाले हैं उसकी एक्रेडिएशन क्या है, यानी किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। सो ऑब्वियसली बात, अगर हम बात करें आईपीएस कॉलेज की, तो आईपीएस कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, विच इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद में क्या हमारे हाइलाइट्स हैं, क्या हमारे की पॉइंट्स हैं जो बेहतर बनाता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में आईपीएस कॉलेज को, क्यों हमारा बीसीए प्रोग्राम अदर कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी बेटर है, राइट? और काफ़ी अप्रोचेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्रेडिएशन। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एक्रेडिएशन, वी आर एफिलिएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके बाद अगर हम बेसिक हाइलाइट्स की बात करें, सो सिलेबस 3 साल का ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है, सो यू कैन लॉग इन टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन चेक द सिलेबस कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं। अपडेटेड सिलेबस, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना सिलेबस चेंज किया है, सो बिल्कुल अपडेटेड करिकुलम, अपडेटेड सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे कॉलेज के हाइलाइट्स क्या है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एफिलेटेड हैं, कैंपस बिल्कुल मिड सिटी के अंदर यानी हार्ट ऑफ द सिटी की लोकेशन है, वहाँ पे एफिलेटेड है। लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, बिकॉज क्योंकि एक बीसी एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने एकेडमिक्स के साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप भी साथ साथ में पैरेलली करें, और उसको करने के लिए ऑब्वियसली बात है लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और सारे कॉरपोरेट सिटी के अंदर होते हैं ऑब्वियसली बात है, तो स्टूडेंट को जो एक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेसिकली वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो इस वजह से लोकेशन बहुत ज़रूरी है, और हमारी लोकेशन बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, निर्माण नगर के अंदर लोकेटेड है। अब काफ़ी कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली बात है, जो सिलेबस है उसको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ एडिशनली भी काफ़ी चीज़ें आईपीएस कॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। बीसीए विद 3 ईयर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, 11-1 से लेकर 11-6 तक हम डेटा एनालिटिक्स का कोर्स एडिशनली हम आपको करिकुलम के साथ में दे रहे हैं, सिलेबस के अलावा दे रहे हैं। उसके बाद में 3 ईयर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगेन 11-1 से लेकर 11-6, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको अलग अलग लेवल में इस पर्टिकुलर कोर्स को डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और जो कि ऑब्वियसली बात है काफ़ी सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और मार्केट में कितनी वैल्यू है इसकी, तो हम हमारे स्टूडेंट्स को उसको डिलीवर करते हैं। सो वो 3 साल का जो आपका कोर्स है उसके साथ में लेवल के हिसाब से 3 अलग अलग सालों में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में इसको आपको डिलीवर किया जाएगा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स हम साथ में आपको सिलेबस के साथ में देंगे, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आईटी प्रोफेशनल के लिए, कि किस तरीके से आप अपने ओवरऑल डेटा को क्लाउड पे यानी ऑनलाइन स्टोरेज पे किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है? उसका ओवरऑल कंप्लीट कोर्स हम आपको अलग अलग लेवल्स पे 3 साल में आपको डिलीवर करेंगे। लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, जो ओवरऑल अलग अलग पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, अलग अलग सेगमेंट में आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लाइव प्रोजेक्ट पे बच्चों को काम करवाते हैं अकेडमिक्स के अलावा, ताकि अकेडमिक्स में जो भी बच्चा लर्न कर रहा है एटलीस्ट उसको वहाँ जाके अप्लाई कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसको समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, वो स्किल वो अक्वायर कर पाए। 3 मंथ इंटरनेशनल टूर ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, नॉर्मली यहाँ पे 3 साल के प्रोग्राम के अंदर आपको ओवरऑल काफ़ी अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ में बहुत सारी इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाएगा, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि आउट ऑफ इंडिया जाके भी आप आउट ऑफ इंटरनेशनली एक एक्सपोजर है वो भी आप गेन कर पाएँ, तो उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जो 3 महीने का इंटरनेशनल टूर होता है। ये ऑप्शनल है, स्टूडेंट्स अगर जाना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है वो स्पॉन्सर्ड नहीं रहेगा,
जो भी कॉलेज की तरफ से आपको हेल्प चाहिए होगी सारी मिलेगी। कॉलेज सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएगा सर्विसेज, और उसके अलावा ये ऑप्शनल है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर बात करते हैं एसी क्लासरूम, जो हमारे क्लासरूम में सारे एसी क्लासरूम्स हैं। बेस्ट प्लेसमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्टूडेंट 3 साल तक लगातार लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेसमेंट्स के बारे में उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। रेगुलर 3 साल वर्क करने के बाद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एक स्किल डेवलप हो जाती है जो उसको एक बेटर आईटी प्रोफेशनल बनाती है। और ऐसी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर सर्च करती है, जिनको ओवरऑल पढ़ाई के साथ में 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। सो हमारे बच्चों को यह होता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है लेकिन वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के अंदर, कोई इसका बहुत एडिशनल चार्ज नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस, आईटी प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं एक इस चीज़ के अंदर मात खाते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक इंट्रैक्शन नहीं होता है रेगुलर, है ना, तो वो एक कमी आगे उनको कहीं ना कहीं रोकती है आगे एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के लिए। सो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है, हम साथ में ओवरऑल सारी चीज़ों के साथ में कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल क्लासेस भी हमारे बीसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। डेवलपिंग एक्सीलेंस बाय स्टडीज एंड प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी, जो हमने बात करी, आप एकेडमिक्स क्लास में स्टडी कीजिए, प्रैक्टिकल मैनर में आप लैब में अप्लाई कीजिए, और फाइनली उसको कॉर्पोरेट्स में जाके किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो कीजिए। तो ये 3 चीज़ें करते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम IIM, IIT एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, नॉम हमारे जितनी भी फैकल्टीज हैं ओवरऑल, वो सारे की सारे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से आती हैं। ओवरऑल उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर का बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज है, ओवरऑल ऑलरेडी सब लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किए हुए हैं। सो आपको एक बेहतर एक सिनारियो प्रोवाइड करवा पाते हैं कि किस तरीके से जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से आप आगे इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाएंगे। सो ये वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इंडस्ट्री इंटरफेस स्ट्रॉन्ग करिकुलम, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसी अकॉर्डिंग हम भी हमारे करिकुलम में बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। ये नहीं है कि जो करिकुलम हमने फर्स्ट ईयर के अंदर फिक्स किया है उसी को हम 3 साल चलाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर जिस जिस तरीके से अपडेट्स होते जा रही हैं, जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड होती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल हर इंडस्ट्री की डिमांड में है, तो हम टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को भी हम हमारे करिकुलम में ऐड करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट से या बाकी प्रोफेशनल से पीछे ना रहे। एक्सीलेंट इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, पढ़ाई के साथ में ओवरऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट और विटल रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, वो हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसी वजह से हम साथ साथ के अंदर ओवरऑल इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ में करते हैं। सो ये हमारा 3 साल का प्रोग्राम है। नीचे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, हमारी वेबसाइट है ipsedu.in, आप डायरेक्ट इस पे लॉगिन कीजिए, बीसीए प्रोग्राम पे जाइए, आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे जिस पेज पे मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओवरऑल सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, गाइडलाइंस क्या होंगी यूनिवर्सिटी की, आपको 3ों साल का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा ताकि आप एक बार देख पाएं। और यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है, ओवरऑल फॉर्म फिल करना है, और आगे की प्रोसेस में अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे ऊपर हमारे यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है 8233970000, सेकेंड नंबर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत आए, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।